फिल्म की शुरुआत में हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, जो खाने का बहुत बड़ा शौकीन होता है। आज तक उसे ऐसा कोई नहीं मिला था जो उसकी सारी फेवरेट डिश बना सके। वो खुद होटल्स में जाकर खाना चेक करता था और जिस होटल का खाना उसे पसंद आता था उसको अपनी कंपनी में जोड़ देता था। आज भी वो रोज की तरह एक होटल में आया हुआ था। वो वहां से जा रहा होता है तभी सिंघनम नाम की लड़की दिखाई देती है जो अपने फ्रेंड के कहने पर मिस्टर लू की कार पर स्क्रैच मार रही होती है। लेकिन मिस्टर लू को आते देखकर वो डर जाती है और उसे पता चलता है कि वो सेकंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और ये कार उसकी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि मिस्टर लू की थी। जिसके बाद मिस्टर लू उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सिंघनम एक 5-स्टार होटल में शेफ थी लेकिन उसके डिशेज किसी को भी पसंद नहीं आते थे। लू अगले दिन फिर से उस होटल में विजिट करने आया था जहाँ की शेफ सिंघनम थी। होटल के वर्कर्स को पता था कि लू एक बड़े कंपनी के सीईओ हैं, वो लोग उनके लिए अलग अलग डिशेज बताते हैं लेकिन मिस्टर लू को वो थोड़ा भी पसंद नहीं आता। अब होटल मैनेजर सिंघनम के पास जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम ऐसा कुछ ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आ सके। फिर सिंघनम किचन के सारे डिशेज को स्मेल करके काफी सोच समझ कर एक डिश बनाती है लेकिन उसे अब तक ये पता नहीं था कि वो उस डिश को जिसके लिए बना रही है वो आदमी वही है जिसके कार पर उसने स्क्रैच किया था। अब मिस्टर लू सिंघनम की बनाई डिश को टेस्ट करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। सिंघनम ने खाना इतना अच्छा बनाया था कि वो उंगलियां चाटते ही रह जाते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं। होटल के सारे शेफ और इवन मैनेजर भी सिंघनम के डिश के लिए उसे खूब अप्रिसिएट करने लगते हैं। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मेरे सारे मीटिंग्स कैंसिल करवा दो, अब मैं यहीं इस होटल में रहूंगा और यहाँ का खाना खाऊंगा। दूसरी ओर सिंघनम बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि आज ही उसका मैनेजर के साथ ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वो होटल के टेरेस पर जाकर शराब पी रही होती है और वहां से बालकनी में गिर जाती है। मिस्टर लू उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बालकनी में क्यों गिर रही हो, मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूं। लेकिन सिंघनम बहुत ज्यादा नशे में थी। वो लू को मैनेजर समझकर उसके पैरों को पकड़कर कहने लगती है कि तुमने मुझे डंप क्यों कर दिया, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ। इतना बोलकर सिंघनम नशे की हालत में वहीं सो जाती है। अब लू उसे सूटकेस में बिठाकर लिफ्ट से ले जाते हैं लेकिन एक स्टाफ सिंघनम को सूटकेस में देख लेता है। वो लू को उसके साथ मिसबिहेव करने का सोचकर पुलिस को बुला लेता है और पुलिस मिस्टर लू को जेल में बंद कर देती है। पर अगले सीन में लू का असिस्टेंट और सिंघनम की दोस्त पुलिस स्टेशन जाकर उन्हें छुड़वाते हैं। सिंघनम भी मिस्टर लू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। सिंघनम की दोस्त उसकी तरफ से लू से माफी मांगती है। अगले दिन सिंघनम होटल के एक पेड़ के ऊपर एक बच्चे के छाते को उतारने जाती है लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छत्ते के पास ही था, इसलिए मक्खियां वहां से गुजर रहे मिस्टर लू को जाकर काट लेती हैं और लू का पूरा चेहरा सूज जाता है। इसलिए सिंघनम एक बार फिर से उससे माफी मांगती है। बार बार परेशान होने पर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को उसे घड़ी देने को कहता है जिससे सिंघनम जैसे ही उसके करीब आए उसे पता चल जाए ताकि वो अलर्ट हो जाए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अभी भी मिस्टर लू को ये पता नहीं था कि वो जिस टेस्टी डिश का दीवाना है वो सिंघनम ही बनाती है और ना ही सिंघनम को पता था कि वो मिस्टर लू के लिए खाना बनाती है। मिस्टर लू पूरे दिन नए नए डिश ऑर्डर करते रहते हैं और सिंघनम उन्हें सारे डिशेज बनाकर भेजती थी और उन्हें सारी डिशेज बहुत ही पसंद भी आती थी। एक दिन होटल मैनेजर सिंघनम को अपनी बॉडी दिखाता है, कहता है कि क्यों ना आज रात साथ में गुजारा जाए। इस पर वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात को घर आकर सिंघनम अपनी दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो चाहती है कि उसे होटल की सीनियर शेफ बना दिया जाए। अगले दिन रिपोर्टर मिस्टर लू का इंटरव्यू लेने होटल में आते हैं तब सिंघनम को पता चलता है कि वो अब तक जिसे परेशान कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि बीएन ग्रुप के सीईओ हैं जो उसके होटल को खरीदने वाला है, इसलिए आज वो उसे डिशेज में मिर्च मसाला भर के डालती है जिसे खाने के बाद मिस्टर लू की आंखों में पानी निकलने लगता है। लेकिन उसे खाने का टेस्ट भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था और खाता ही जा रहा था। एंड में सिंघनम एक डेजर्ट सर्व करती है जो उसने मिस्टर लू के खाने के फेवरेट चीजों को मिलाकर बनाया था, वो उन्हें बहुत पसंद आता है। अब मिस्टर लू इस डिश को बनाने वाले इंसान से मिलने के लिए बेताब होता है लेकिन सिंघनम सोचती है कि अब तक के कारनामे को देखकर वो उसे निकाल देगा, इस डर से उनके सामने जाने से मना कर देती है और वहां से भाग जाती है। लेकिन तभी मिस्टर लू को टॉयलेट के आगे एक चमची दिखाई पड़ती है और उसको चोर समझकर टॉयलेट के डोर को क्लोज करके वहीं छुप जाते हैं। उस टॉयलेट से सिंघनम निकलकर चोरी छुप के भागने लगती है तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम मेरा पीछा करते यहाँ भी आ गई और मुझे पता क्यों नहीं चला, तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है। जिस पर वो कहती है कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है। तभी एक आदमी वहां आता है और सिंघनम वहां से भाग जाती है लेकिन सिंघनम के शेफ वाली ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि वो वही है जो उसके लिए अब तक डिशेज बना रही थी। लू फिर अगले दिन होटल जाता है, सिंघनम से कहता है कि अब तक तुमने जो मेरे साथ किया है वो क्या कोइंसिडेंट था।
या फिर तुमने ये जानबूझकर किया, जिस पर सिंघम अपना क्यूट सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है कि कुछ जानबूझकर नहीं किया। जिसके बाद मिस्टर लू उसे केक बनाने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। फिर लू जब आराम से बैठकर केक खा रहा होता है तभी उसे डैड का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं, तुम अभी तक वहां क्या कर रहे हो, जल्दी से रेट फाइनल करके किसी दूसरे होटल के लिए निकलो। अब अगले दिन सिंघम काम पर ना आने की वजह से मिस्टर लू ग्रोसरी का सामान लेकर उसके घर चला जाता है। मिस्टर लू जब उसके घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि सिंघम अपने फ्लैट का हाल बहुत बुरा बना रखा है, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। उसे वहाँ सिंघम का डॉग भी दिखता है। वो सोफे से कपड़े हटाकर वहीं बैठ जाता है। सिंघम अपने पूरे दिल से खाना बनाती है और उसे सर्व करती है, और जब वो उसके साथ खाने के लिए बैठती है तो मिस्टर कहता है कि मैं खाना अकेले बैठकर खाता हूँ, और कहता है जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पसंद है वैसे मेरे लिए अकेले खाना पसंद है। थोड़ी देर बाद सिंघम अपना खाना खत्म करके बाहर आती है तो वो देखते हैं कि मिस्टर लू वहीं सोफे पर सो चुके हैं। अगले दिन जब मिस्टर लू की आँख खुलती है तो उसे एहसास होता है कि कल रात उसकी वहीं आँख लग गई थी। वो सिंघम को ढूंढते ढूंढते कमरे में जाता है, वो देखता है कि वो अभी तक सो रही है। अब डेली मिस्टर लू ग्रोसरी का सामान लेकर सिंघम के घर पहुंच जाते थे और उसे खाना बनाने के लिए कहते थे और फिर खाना खाकर उसी के घर सो जाते थे। इस तरह कई दिन गुजर गए। इस दौरान सिंघम की दोस्त लू के मैनेजर को डेट करने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जब मिस्टर लू सिंघम के घर में बैठे थे तो वहां बहुत बारिश होने लगती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन बारिश के कारण वो ना तो उसके घर आता है ना ही होटल में। जिसके बाद वो अपने दोस्त के साथ मिस्टर के घर पहुंच जाती है। मिस्टर लू का असिस्टेंट सिंघम और उसकी दोस्त को देखकर उन्हें अंदर तो आने देता है, लेकिन वो सिंघम को लू से मिलने के लिए मना कर देता है। तो वो जबरदस्ती मिस्टर लू के पास चली जाती है। वहाँ एक लड़की को मिस्टर लू का खाना सर्व करते हुए देखती है। उसके पूछने पर मिस्टर लू से बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल शेफ है। वो बताती है कि ये छुट्टियों पर थी इसलिए तुम्हारे पास खाना खाने के लिए आ रहा था। जिसके बाद सिंघम गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर जब सिंघम होटल के एक किचन में काम कर रही थी तो लू की शेफ आकर उससे पूछती है कि तुम ये सब काम कब से कर रही हो। वो बताती है कि मैं ये काम 5 सालों से कर रही हूँ। वो उसे कहती है कि अभी तुम मेरे सामने एकदम नूब हो। वो उससे कहती है कि मिस्टर लू को तुम्हारा भी खाना पसंद है इसलिए उनके लिए 5 दिन मैं और वीकेंड पर 2 दिन तुम खाना बनाओगी, और वो मिस्टर लू को किस दिन क्या खिलाना है इसका एक लिस्ट बनाकर उसे देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन सिंघम उस लिस्ट को फाड़ कर फेंक देती है और बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई भी लू के लिए खाना बनाए। अगले दिन जब सिंघम घर वापस से काम पर आती है तो उनका सीनियर शेफ वहां आता है और सबको बताता है कि इस होटल को मिस्टर लू ने ही खरीद लिया है और उन्हें हमसे अच्छा शेफ चाहिए इसलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। तभी वहाँ मिस्टर लू आते हैं और सिंघम उससे पूछते हैं कि क्या तुमने सबको फायर कर दिया है। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि इस जगह को मैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बैंक्वेट होटल बनवाने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। सिंघम लू से कहती है कि तुम 2 शेफ्स के डिश एक साथ नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना हो। क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स भी है या नहीं? तुम सबको फायर कैसे कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मैं फालतू के इमोशंस के चलते लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं कराता। जिस पर सिंघम कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती, और वो वहां से चली जाती है। सिंघम अब बेरोजगार हो गई थी। दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी उसकी बहुत याद सताने लगती है। मिस्टर लू शंघाई से यूके के लिए निकल जाते हैं। ये बात जब सिंघम को पता चलता है तो अपने दोस्त से कहती है कि वो मुझे बहुत पसंद था, खास मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, और रोने लगती है। अब अगले सीन में मिस्टर लू को लंदन में दिखाया जाता है जहाँ उसकी पर्सनल शेफ उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो बहुत उदास बैठा रहता है। फिर अगले दिन वो जब अपने डैड से मिलता है तो वो पूछते हैं कि शंघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पर लू कहता है कि काफी टाइम हो गया है, हमने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। जब वो दोनों बैठकर खा रहे होते हैं तो वो अपने डैड से पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब मैं तुमसे करता हूँ। जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट को फोन करके बोलता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई लौटेंगे। इधर सिंघम बेरोजगार रोड पर अपने कुत्ते के साथ घूम रही होती है। वो मिस्टर लू के दिए हुए अलार्म को बेचने जाती है, तभी अचानक से वो बजने लगता है और उसे मिस्टर लू की कार दिखाई देती है, और वो लू को देखते ही टैक्सी लेकर वहां से भाग जाती है और वो उनसे बचते हुए एक सब्जी मार्केट में छुप जाती है। तभी मिस्टर लू को सिंघम का डॉग मिल जाता है। वो डॉगी लू को सिंघम के पास लेकर जाता है, लेकिन वो एक ट्रांसपेरेंट कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपने पर्सनल शेफ के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ। जिस पर मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं बल्कि बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, आई रियली लाइक यू। जिसके बाद सिंघम शर्माने लगती है और उससे कहती है कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सिंघम ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और गेट खोल देती है। इसके बाद मिस्टर लू सिंघम को लेकर उसके फ्लैट के पास वाले बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ बैठकर दोनों सनसेट देखते हैं, क्योंकि सिंघम को सनसेट बहुत ही पसंद होता है। और ये मूवी यहीं पर खत्म।